जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका परियोजना के तहत वनमंडल मंडी में महिलाओं के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का गठन करके ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के साथ जोड़ने का बेहतरीन प्रयास हुआ है। ये महिलाएं चीड़ की पत्तियों के इतने सुंदर उत्पाद बना रही हैं कि इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि इन्हें चीड़ की पत्तियों से बनाया गया होगा। बनाए गए उत्पादों में प्रमुख रूप से छोटी टोकरियां, फ्लावर पॉट, चपाती बॉक्स, पेन स्टैंड, कोस्टर सेट और फ्रूट ट्रे इत्यादि शामिल है। इसमें हमें जाइका प्रोजेक्ट की तरफ से हमें पाइन नीडल के ट्रेनिंग दी गई, 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें चपाती बॉक्स, चिल्लर बॉक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें बनाने सिखाए गए। चीड़ की पत्तियों के द्वारा हमने जंगल में जाकर चीड़ की पत्तियाँ लाई और पत्तियों को इकट्ठा करके हमने ये सब कार्य आप अपने घरों में कर रहे हैं और जंगल को भी आग लगने से बचाया। पाइन नीडल हम बनों से लेकर चील की पत्तियां ले आ रहे हैं, उसे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट है ये चपाती बॉक्स, पेन स्टैंड, कोस्टर सेट और फ्रूट ट्रे, जो इसे हम तैयार कर रहे हैं। ये जो है हमें जायका के थ्रू जो है हमने ग्रुप खोले हैं, इसमें हमने बहुत हमें जो है किसी और के पास पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती, इससे जो है हम खुद अपने पैसे खुद ही यूज़ कर सकते हैं, इससे हमें जो है बहुत अच्छा लाभ हुआ। हम इसको बना रहे हैं तथा इससे हमें आजीविका भी प्राप्त होगी और हम जो है जायका वानिकी परियोजना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, फॉरेस्ट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस प्रकार का आजीविका कमाने के साधन दिए हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने घर के कार्य निपटाने के बाद जंगलों से चीड़ की पत्तियां एकत्रित करती हैं और फिर उनके उत्पाद बनाती हैं। यही नहीं, उत्पाद बनाने के बाद जो चीड़ की पत्तियां बच जाती हैं, उन्हें 3 रुपए किलो की दर से बेचा भी जाता है। IIT कमान से चीड़ के प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के बारे में डिमांड आई है, हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं और उनको देते हैं और वो 3 रुपए किलो के हिसाब से इसको लेते हैं और इससे हमें इनकम भी मिल रही है और आय का साधन भी ठीक है और साल में 2-3 बार ये पत्तियाँ जंगल में झड़ जाती है जिससे कि आग भी लग जाती है और इससे हमारा जंगल भी आग से बच रहा है। पिछले साल जो हमने ये पाइन नीडल जो हमने बेचा भी था IIT कमांड में और 15 टन के लगभग बेचा था और 45,000 हमारी इसकी इनकम थी और ग्रुप में से एक लेडीज ने 2,500-3,000 का ये पाइन नीडल बेचा था। जायका परियोजना वनमंडल मंडी के SMS जितेंद्र शर्मा के अनुसार पूरे मंडल में 28 कमेटियों का गठन किया गया है और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं व अन्य लोगों को जंगलों के साथ जोड़कर स्वरोजगार दिया जा रहा है, साथ ही वनों का संरक्षण भी हो रहा है। वन मंडल मंडी में लगभग हमारी 28 कमेटियां हैं सभी 4 रेंजों में। पूरे ओवरऑल जो है हमने 460 कमेटियां जो है बना रखी हैं। वार्ड स्तर पे कार्य हो रहा है, इसमें मुख्यतः हम सस्टेनेबली फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो मैनेजमेंट है उसको कर रहे हैं, साथ में आजीविका सुधार है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हम ताकि हम विविधता जो है वो ला सकें। जो इस तरह की परियोजना जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में आई है ताकि हम जो है आगे वाली जनरेशन के लिए एक बहुत पर्यावरण जो है वो हमारा सही हो सके और हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी आगे जो है वो ताकि उस इस तरह के चैलेंजेस जो है वो हमारे हम उनको बीट कर सकें। वन मंडल मंडी के उप अरण्यपाल वासु डोगर के अनुसार जायका परियोजना के तहत चल रहे कार्यों से जंगलों में चीड़ की पत्तियों का स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कम होने से जंगलों में आग लगने का खतरा भी कम हो रहा है जिससे जंगल सुरक्षित बच रहे हैं। चीड़ पाइन नीडल्स जिनकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है, हमने उनको कलेक्ट करके उनके ब्रिकेट्स जो है हमारे यहाँ बनाना शुरू किए हैं। 5 यूनिट्स ब्रिकेट्स के जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पे खोल रखे हैं, उनमें से 2 IIT मंडी के साथ कोलैबोरेशन में है। तो ये जो चीड़ पाइन की नीडल्स हैं उनको छोटे छोटे ब्रिकेट्स में बनाते हैं और वो ब्रिकेट्स जो हैं आगे बेचे जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को या जहाँ पे फ्यूल वुड कम होता है उस तरफ। तो इससे लोगों को भी आमदनी हो जाती है जो पाइन नीडल्स कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जंगल भी बच जाते हैं। इसके अलावा जो है यही लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं लेडीज़ के, ये पाइन नीडल्स से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, जैसे कि पेन स्टैंड हो गए या कोस्टल प्लेट्स हो गई। तो इससे भी लोगों को आमदनी हो रही है और साथ ही साथ पाइन नीडल्स का स्टॉक जंगल से कम हो रहा है।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जायका परियोजना आज न सिर्फ जंगलों के सही रखरखाव के लिए कारगर साबित हो रही है, बल्कि इससे ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वरोजगार भी मिल रहा है।